Hey everyone, welcome and welcome back to PL Vlogs YouTube channel. I hope you are doing good guys. Guys, आज का thumbnail देखकर I am damn sure आपको पता चल चुका होगा आज की वीडियो होने वाली है full on makeup tutorial regarding first करवा चौथ makeup look. जी हाँ, without any further delay, let's get started our video. सो गाइज, मैंने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग जो मेरा ब्लाउज था वो मैंने वेयर कर लिया है. दिस इज़ माई नेल एक्सटेंशन का व्लॉग जल्दी आएगा, डोंट वरी. मेहंदी का व्लॉग भी आने वाला है. सो आगे आपको बैक टू बैक बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देने को मिलेंगे. एंड मेरे पास टाइम बहुत कम था, मुझे रेडी भी होना था. मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, अब तक फेस पर कुछ अप्लाई नहीं किया. एंड दिस इज़ द केक जो मेरे फियांसे मतलब मेरे इन-लॉज फैमिली मेरे को करवा चौथ पर लाई थी. एज यू ऑल नो कि जो भी सामान होता है वो करवा चौथ का वो इन लोग की तरफ से ही सास की तरफ से दिया जाता है बहू को. सो यहाँ पे मेरी जो सासू माँ है, मेरी जो मम्मा है, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था. तो मैं आज इससे ही रेडी होने वाली, बिकॉज यही सगन होता है जिससे रेडी होते. सबसे पहले मैं आपको फुल ट्यूटोरियल इसका दिखा देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस किट में क्या क्या डाल के दिया था. सो ये कुछ ऐसी किट थी, मेकअप किट. आई नो कि आप लोगों को होगा, बट इसका कलर बहुत प्रीटी था. मतलब इसमें शाइनी पिंकिंग सा कलर था, बट वो अच्छा लग रहा था मुझे. एंड दिस इज़ लॉक सिस्टम विच वॉज ग्रेट. जी हाँ, आप चलो इसको करते हैं ओपन एंड लेट गेस सी कि इसके इस अंदर क्या क्या है. सो वन बाय वन मैं आपको सारे प्रोडक्ट दिखाती हूँ. फुल ऑन डिस्क्रिप्शन आपको दूंगी जब मैं इसका ट्यूटोरियल करूँगी. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ. क्या दिखाऊँ सबसे पहले, आप बताइए कमेंट करके क्या देखना पसंद करेंगे. चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं मेहंदी से स्टार्ट करती हूँ. और ये मेहंदी है जो मुझे सगन पे उन्होंने दी थी, और मैं इससे ही मेहंदी में लगवा कर आई थी जो अभी आपने मेरा देखा स्टार्टिंग वीडियो में. सो उसके बाद ये मेहंदी उन्होंने दी थी. साथ ही साथ मैं आपको वन बाय वन सारे प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ. दिस इज़ आई लैशेज, वो मुझे वहाँ से नहीं मिली थी, बट मैं आई लैशेज लगाना प्रेफर करती हूँ. सो मैंने इसमें अपनी ऐड की है. दिस इज़ ब्लशर, दिस इज़ ऑल्सो स्विस ब्यूटी कंसीलर जो मैंने खुद ऐड किया है. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट आई लैश. दिस इज़ द कॉम्पैक्ट हुडा ब्यूटी जो मुझे वहाँ से आया था. दिस इज़ ब्रश, क्योंकि मुझे इसमें रखना था बिकॉज मुझे आज का ट्यूटोरियल इसी किट में से करना था. एंड दिस इज़ क्यूटी पाई डोल मिरर. विदाउट मिरर के तो यह मेकअप हो नहीं सकता भाई, मैं इतनी टैलेंटेड भी नहीं हूँ. एंड दिस इज़ बायोटिक फेस वॉश विच वॉज गुड. उसके बाद दिस इज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर फ्रॉम आई थिंक सो हुडा ब्यूटी. दिस इज़ पॉन्ड्स जेल बेस्ड क्रीम. दिस इज़ स्विल्स प्राइमर. एंड दिस इज़ रियली गुड, जेल टेक्सचर है गुड. दिस इज़ 10 and 10 मैक मेकअप फिक्सर. दिस इज़ अ क्लचर. दिस इज़ 2 बिंदी जो उन्होंने मुझे दी थी अलग अलग शेड्स की, बहुत प्यारे प्यारे शेड्स से. आफ्टर डैट इसमें है आपको 2 उन्होंने मेरे को नेल पेंट के शेड दिए थे, वो बहुत अच्छे थे. एक का मतलब पीच रेड मिक्स, एंड दिस इज़ अ जूसी पिंक. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये. एंड दिस इज़ अ कॉम. आफ्टर डैट उन्होंने मुझे L18 का आई ड्रामा काजल दिया था किट में. लैकमे की फाउंडेशन थी, परफेक्ट रेडियंस है, SPF 30 आई थिंक सो 15 या 13 था. उसके बाद यहाँ पर थी किट जो है 15 कलर आई शेडो पैलेट. एंड दिस इज़ द शेड्स, वो मैं आपको फुल खोल के दिखाऊंगी तब जब मैं इसका साथ ट्यूटोरियल जो आप आगे मेरे चैनल पर देख रहे हैं. तो प्लीज़ यहाँ से वीडियो को देख के आगे स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखोगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी. उसके बाद ये मेहंदी मैं ये भी साइड रख देती हूँ. लिप शेड्स भी उन्होंने मुझे दिए थे. दिस इज़ वन ऑफ दी माई फेवरेट, बहुत अच्छा सा टेक्सचर है यार. पीच में भी, रेड में भी, पिंक में भी अच्छे अच्छे टेक्सचर है. एंड दिस इज़ ब्लैक लाइनर मियोन काजल, काजल स्केच काजल लाइनर यू कैन से एनी थिंग. सो दिस इज़ शुगर लिपस्टिक जो मैंने ऐड की है इसमें बिकॉज मुझे बड़ी अच्छी लगती है. एंड दिस इज़ ऑल द प्रोडक्ट्स विच दे गिव मी. बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स थे और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स थे. तो चलो अब करते हैं अपना मेकअप ट्यूटोरियल ऑलमोस्ट स्टार्ट. विदाउट एनी फर्दर डिले द वीडियो, लेट गेट स्टार्टेड आवर ट्यूटोरियल. सो चलो गाइज, अब मैं इस किट को लेकर जाती हूँ और करती हूँ अपना मेकअप ट्यूटोरियल स्टार्ट. और अब मैंने इस किट में सबसे पहले जो मैं लगाऊंगी वो है मेरा यहाँ पे है पॉन्ड्स की क्रीम. जी हाँ, क्योंकि मॉइस्चराइज़र स्किन पे बहुत ज़रूरी होता है. कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अप्लाई करते हैं गाइज, मेरे को कई बार ऐसे भी कमेंट आता है कि मेरा जो मेकअप है वो थोड़ा सा कैकी हो जाता है, पैचेज आ जाता है, बिकॉज आप स्किन केयर अच्छा नहीं करते हो. प्लीज़ स्किन केयर अच्छा करेंगे तभी मेकअप अच्छा लॉन्ग लास्टिंग होगा. आफ्टर दिस इज सिल्स प्राइमर, मैंने भी फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. जेल बेस्ड है एंड मैट सी फिनिश आएगी. अभी आप देखना जब मैं इसको ब्लेंड करूँगी मेरे फेस पे एक मैट सी ना लेयर बैठ जाएगी. सी, अभी तक आपको जेल लग रहा था, अब कितना मैटी मैटी सा लुक लग रहा है. तो मुझे इसका बेस्ट पार्ट यही लगा कि ये मैट बेस्ड प्राइमर है
मेरी जो स्किन है वो ड्राई स्किन है, तो उस पर जेल प्राइमर ही जाता है। दिस इज़ लैक्मे रेडियंस फाउंडेशन एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करूँ ये वाली, मतलब लैक्मे की मैंने पहले बहुत की है फाउंडेशन यूज़, बट दिस इज़ मैं फर्स्ट टाइम करूँ। मुझे इसका थोड़ा सा ना शेड भी मिसमैच लग रहा था अपने शेड के अकॉर्डिंग, बट लेट गेट सी के आफ्टर ब्लेंडिंग ये कैसा रिजल्ट देता है। सो मैंने डॉटेड फॉर्म में, सबसे पहले आपको कोई भी फाउंडेशन होती है तो प्लीज़ हैंड्स के बैक साइड पे लिया करिए, डायरेक्ट अप्लाई मत करा करो, बिकॉज जो उसका फाउंडेशन का ऑयल या सीरम होता है वो फिर आपकी स्किन पे आ जाता है, डेट्स वाई आपको कैकी और पैचीनेस रहती है आपके मेकअप में। उसके बाद मैंने ये ब्लेंडर लिया है जिससे ऑल ओवर माई फेस मैं ब्लेंड कर लूँगी, और आप देख सकते हैं मैंने कहा था मुझे थोड़ा सा अपनी स्किन टोन के हिसाब से थोड़ा सा डार्क लग रहा है, लाइट शेड लग रहा है, बट देखते हैं फुल मेकअप करने के बाद कैसा शेड आता है। मेरे हिसाब से मैं इसको जब ब्लेंड अच्छे से और करूँगी तो वो सही लुक आएगा। आफ्टर मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है जो मुझे किट में नहीं आया था, बट मैं वो लगाती हूँ कंसीलर, मैं स्विस ब्यूटी का ही यूज़ करती हूँ, डेट्स वाई मैंने लिया है, बिकॉज मुझे फुल मेकअप करना है यार, करवा चौथ है ऑफकोर्स, अच्छा मेकअप तो करना बनता है। सो यहाँ पे मैंने ब्लेंड किया एंड नाउ मेरे को भी ऐसा लग रहा है, बट आप बताइए आपको कमेंट करके लग रहा है ना ये थोड़ा थोड़ा सा अच्छा सा मेरी स्किन में मतलब ब्लेंड होके मर्ज हो रहा है। सो अभी आप देखना बहुत अच्छे से ब्लेंड होके वो बिल्कुल इक्वल लगेगा। आफ्टर मैंने यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर लिया है, अब मैं यहाँ पे नोज़ पे अपने हाईलाइट पॉइंट्स जो अभी फेस के होते हैं उसको भी हाईलाइट कर लूँगी अच्छी तरह कंसीलर से, और ब्लेंड कर लूँगी कंसीलर को अच्छी तरह नोज़ पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ एंड फोरहेड पे एंड चिन बोन पे मैं अच्छी तरह इसको अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी कंसीलर को। आफ्टर दैट गाइज अब मैं यहाँ पे करूँगी क्या करूँगी, जी हाँ ऑफकोर्स पाउडर सेटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है फिटमी का ही कॉम्पैक्ट जो बहुत अच्छी फिनिश देता है, मैं जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर लगाऊंगी यहाँ पे, कॉम्पैक्ट ज़्यादा लगाऊंगी बिकॉज मैं लूज़ पाउडर नहीं लगा रही, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बेस है वो अच्छी तरह थोड़ा सा सेट रहे, और मैंने अभी आई लुक भी नहीं किया इसलिए मैं अंडर आइज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कॉम्पैक्ट लगाया। और अगर आप भी अंडर आइज़ करते हैं और आप ग्लिटर वाली अंडर आइज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ अंडर आइज़ पे जो आप कॉम्पैक्ट लगाते हैं उसको पहले रिमूव मत करना, ताकि कोई भी फॉल आउट हो तो आप उसको आराम से हटा सकते हैं। आफ्टर मैंने नेक एरिया पे भी यार अपनी नेक पे फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट लगाना मत भूलिएगा, बिकॉज सेम शेड लगता है फेस एंड नेक का, वरना वो बहुत अलग सा फेस लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। आफ्टर थोड़ा सा मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी लाइंस ना आ जाए, अंडरलाइन ना आ जाए अंडर आई के नीचे। आफ्टर दिस इज़ आ 15 कलर आई शेडो पैलेट एंड ऑल द शेड्स आर गुड एंड ऑसम, ये सारे शेड मतलब बहुत अच्छे। अब मेरे को कहीं पर भी जाना होगा, मैं सिर्फ एक वन पैलेट कैरी करने वाली हूँ एंड दैट्स इट, माई ऑल मेकअप शुड बी डन ईजिली। आफ्टर दिस इज़ अ ब्रश सेट जो मैंने आई थिंक सो मव्या कलेक्शन से, हाँ मुझे इंस्टा से मव्या कलेक्शन वालों की तरफ से मुझे प्रोवाइड हुआ था, गिफ्ट मिला था। आफ्टर मैं यहाँ पे अपना ट्रांजिशन शेड लगाने के बाद एंड पिंक शेड लगाऊंगी, वो आपको लग रहा होगा पिंक शेड देखने में कि कितना अलग पर्पल पिंक में है, बट वो मेरे ड्रेस के मैचिंग का ही होगा जब मैं उसको ट्रांजिशन शेड के साथ मिक्स करूँगी। और आप देख सकते हैं मैं जब जस्ट आउटर वी पे लगाऊँगी एंड इनर टी टीयर डक तक जस्ट उसको ब्लेंड करूँगी इनर सर्कुलर मोशन जैसे मैं कर रही हूँ। आपको जस्ट आउटर वी पे प्रोडक्ट लगाना है एंड यू हैव टू ब्लेंड इट टिल द टीयर डक्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे गोल्डन ग्लिटर लिया है एंड अपनी फिंगर की हेल्प से, यार पता है ब्रश से ज़्यादा ना मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ग्लिटर या शिमर शेड्स लगाना अपनी आईलिड पे पसंद करती हूँ, बिकॉज वो ईजिली ब्लेंड भी हो जाते हैं और जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं वो बहुत अच्छे से लग जाता है। आफ्टर मैंने यहाँ पे लूँगी ब्लैक कलर का आई शेडो और उसको अपनी इनर वाटर लाइन पे अंडर वाटर लाइन पे लगाऊंगी, और उसके बाद मैं उसके ऊपर पिंक कलर का शेड ट्रांजिशन दूंगी ताकि थोड़ा सा ना उभर के आए मेरी अंडर आइज जो भी है। उसके बाद लोअर लैश लाइन पे मैंने अप्लाई कर लिया है। आफ्टर मैं यहाँ पे लगाऊंगी स्विस ब्यूटी का 3-in-1 पैलेट है, शिमर पैलेट है, इसमें ब्लश है, ब्राउन्जर एंड हाईलाइटर तीनों चीज़ें हैं, एंड मैं इसको अप्लाई करके जस्ट ब्लेंड करूँगी। ब्राउन्जर भी मैंने अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया एंड ब्रशर भी। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी जो मेरा फेवरेट पार्ट होता है। आई होप कि ऑलमोस्ट गर्ल्स का हाईलाइट पॉइंट हाईलाइटर अप्लाई करना बहुत अच्छा पार्ट होता है, उससे ना एक अलग सी शाइन दिखती है आपके फेस पे। तो चलो अब मैं यहाँ पे करती हूँ हाईलाइटर अप्लाई, और देखो आप अलग सी शाइन आ रही है मेरे फेस पे, मेरे चिक बोन पे, ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड बो पे मैं अच्छी तरह अप्लाई कर लूँगी, और अपने नेक पे, नेक बोन पे भी जो भी है मेरी उस पे भी अच्छी तरह अप्लाई कर लूँगी। आफ्टर दैट मैं दोबारा से कॉम्पैक्ट से सेट करूँगी ताकि कोई भी फॉल आउट हुआ हो तो वो मैं हटा लूँ आराम से। आफ्टर दैट दिस इज़ द टाइम टू
ऐड सम बिंदी, क्योंकि करवा चौथ है मुझे बिंदी लगानी पड़ेगी और वो अच्छी भी लगती है मुझे। सो यहाँ पे मैंने पिंक कलर का जो मेरी ड्रेस ब्लाउज का मैचिंग है मैंने उस कलर की बिंदी ली है। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ हुडा ब्यूटी लिपस्टिक। एंड मैंने आपको इसके ही बारे में बोली थी कि पिंक पीच मतलब रेड मिक्सअप शेड है और मेरे को ये शेड बहुत प्रीटी लगा। मुझे जल्दी से ये शेड नहीं मिलते हैं, मैं ज़्यादातर यही शेड लेना प्रेफर करती हूँ क्योंकि हर तरह की ड्रेस के साथ चलते हैं। आफ्टर दैट मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली है। नाउ मैं थोड़ा सा इसमें और दोबारा से ब्लशर करूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा लुक आया। जब मैं स्माइल करूँ तो चिक्स तो दिखने चाहिए ना अलग से ग्लो करते हुए, जस्ट किडिंग। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे ऐड करूँगी सम चोकर अपने, क्योंकि मैं हेयर स्टाइल बना लूँगी तो चोकर मैं अच्छी तरह वियर नहीं कर पाऊँगी। सो मैंने यहाँ पे चोकर अप्लाई करके उसको पीछे से टाई कर लिया है अच्छे से। नाउ आई वॉन्ट टू ऐड सम बैंगल्स एंड यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने हेयर बैंड लिया है एंड जस्ट सेंटर पार्टीशन लगाई निकाली है अपने हेयर्स की एंड जस्ट उसको बॉबी पिन से टिक टक पिन से टक कर लिया है हेयर बैंड को। एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट हेयर स्टाइल शुड बी डन। एंड आफ्टर दैट आई एम एडिंग सम बैंगल्स, जी हाँ। एंड ये कांच की थी तो थोड़ा सा मैं इसको आराम आराम से पहना मैंने। उसके बाद दिस इज़ द फुल लुक आफ्टर वियरिंग अप बैंगल्स एंड डन विद माई हेयर स्टाइल। एंड आई होप आपको भी ये लुक पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो बताइएगा कैसा लग रहा है आपको लुक। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है ये लुक। इसमें मैंने आई शेडो आई लैशेज अप्लाई नहीं करी। अगर आपको आई लैश वाला लुक देखना है मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आप देख लेना। बट मैं करवा चौथ पे इतना मतलब मन नहीं था मेरा आई लैश लगाने का एंड मुझे वो चोकर ने इसके साथ मैच नहीं लग रहा था, डेट्स वाई मैंने यहाँ पर नॉर्मल कलर का नॉर्मल गोल्डन नेकलेस पहना उसके बाद चेंज कर लिया था मैंने। तो सोचा ये भी क्लिप ऐड करके आपको दिखाऊँ। एंड दिस इज़ माई ऑलमोस्ट फुल लुक। अब मैं आपको दोनों लुक एक बार दिखा देती हूँ जो मैं मेन करवा चौथ वाले दिन रेडी हुई थी और जो मेरे फ्यून से आए थे तब मैंने आई लैशेज अप्लाई की हुई थी उसमें और इसमें बस इतना सा डिफरेंस था। ऑलमोस्ट लुक मेरा आई थिंक सो सेम था। और फुल आउटफिट आपको देखने को मिलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग आने वाला है करवा चौथ का, तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा, उसमें आपको मेरा पूरा आउटफिट देखने को मिलेगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।